नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक है। आज की जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आया हूं न्यू ओलैंड टी 6090, जो 180 HP का ट्रैक्टर है और 6 सिलेंडर का इसके अंदर इंजन दिया गया है। 4x4 ये ट्रैक्टर है। फ्रंट के टायरों की बात करें तो इसमें 480/65/28 के फ्रंट के टायर हैं और पीछे के टायर है जो वो 665/38। काफ़ी बड़े रेडियल टायर के साथ है ट्रैक्टर है। AC कैबिन है। HP की बात करें तो इस ट्रैक्टर ये ट्रैक्टर है जो 180 HP का है। 180 HP का ये ट्रैक्टर है। 45 किलो की आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेटें हैं जो 45 किलो की दी गई है। और फ्रंट का अपना जो हिस्सा है वो काफ़ी मजबूत पावर स्टेयरिंग के साथ ये ट्रैक्टर है। मजबूत हिस्सा है। मड गार्ड भी इसके ऊपर है। काफ़ी हैवी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और अंदर से दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया और अच्छा इसका इंटीरियर है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रोल्स है जो वो मिल जाते हैं। ये यहाँ पे लिफ्ट वगैरह का कंट्रोल है, जो अपने विदेशों में जो ट्रैक्टर चलते हैं सेम वही है ट्रैक्टर है इसका। यही जो है जो फॉरवर्ड और रिवर्स का हाई लो का ये जो गियर है वो यही रहने वाला है। और स्टीयरिंग है जो इसका एडजस्टेबल है। स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। यह जो इसका मीटर वो रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे बटन, मुझे भी इनका नहीं पता है, काफ़ी सारे बटन यहाँ पे मिल जाते हैं। AC कैबिन है। यहाँ पे आपको 180 वाट का मोबाइल चार्ज होल्डर मिल जाएगा। ये AC के कंट्रोल और स्पीकर भी इसके अंदर दिए गए हैं। एक स्क्रीन दी गई है इसके अंदर, ये जो इम्प्लीमेंट को और आगे की जो होती है वहाँ वो दिखाते हैं। एक साइड में बैठने के लिए एक सीट और इस साइड में ये देख सकते हैं आप, एक स्पीकर इधर दिया गया है। लाइट भी दी गई है और कूलिंग अच्छी रही इसके लिए एक अच्छा जो मटेरियल है वो भी यूज़ किया गया है। इसका एक्सीलेटर, ब्रेक, कल्च, स्टीयरिंग है जो इसका एडजस्टेबल रहने वाला है। और अब आपको दिखाते हैं इसका साइलेंसर, आम ट्रैक्टरों से काफ़ी बड़ा इसका जो ये साइलेंसर है। ये देखिए काफ़ी बड़ा, लगभग ये जो पाइप है ये जो 4 इंची की पाइप रहने वाली है, काफ़ी बड़ा। और इसके पीछे ये एक लूप मास्टर की मशीन है, ये इसके पीछे जोड़ी गई है। PTO से ये मशीन है जो चलती है। और प्रेशर की पाइपें भी है, हाइड्रोलिक के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी इसके अंदर काफ़ी दिए गए हैं। और इसकी डीजल टैंक की बात करें तो दोस्तों 265 लीटर का है जो वो इसका डीजल टैंक है। और यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर जो अपने विदेशों में चलते हुए देखते हैं वो ट्रैक्टर आज अपने हरियाणा की ज़मीन पर खड़ा है भाई। ये वीडियो की लोकेशन रहेगी गांव जलनिया, शहर नज़दीक लगता है फतेहाबाद हरियाणा में। और अब लास्ट में ट्रैक्टर की कीमत की बात करें, जैसा कि लास्ट में आपको बताया कि ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो 70 लाख रुपये है जो वो इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। AC कैबिन, 4x4 रेडियल टायरों के साथ और पीछे अपनी जो मशीन है, इस मशीन की कीमत की बात करें तो ये मशीन अपनी 1 करोड़ की रहने वाली है भाई। 1 करोड़ की मशीन और 70 लाख का ये
ट्रैक्टर है, 1,70,00,000 का ये जो है टोटल इसकी कीमत है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा आगे डबल एक्टिव है जो वो पावर पंप दिया गया है, इसके अंदर एक इस साइड है एक दूसरी साइड है, काफ़ी मजबूत हिस्सा है फ्रंट का, 265 लीटर की डीजल टैंक, 6 सिलेंडर इंजन, 180 HP। तो दोस्तों आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, LGS जो इन्होंने अपनी बुन्ना शॉप जो है बुन्ना में अंदर शॉप खोली है, और इनका कहना है कि ये किसान भाई के अगर खेत में अपनी गांठ बनवाना चाहता है तो सिर्फ कटर लगवा के देना है, ये गांठ अपने आप बना देंगे और 8 मिनट के अंदर 1 एकड़ की गांठ है जो वो कंप्लीट कर देते हैं। और अगर जैसे ही आपके खेत में गांठ बन जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर है जो वो गांठे आपके खेत से उठाने का काम भी पूरा कर दिया जाएगा, किसान को कुछ नहीं करना बस सिर्फ कटर लगवा के देना है। आवाज़ सुनिए, तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इनके नंबर पे कॉल करना है सिर्फ आपको, बाकी काम ये खुद कर लेंगे। आठ मिनट के अंदर है जो ये खेत के अंदर है वो कर देता है, घंटे बना देता है। रोड के ऊपर इसकी एवरेज ये बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर 2 किलोमीटर है जो वो एवरेज देता है, और 1 एकड़ के अंदर गांठे बनाने के लिए ये 22 लीटर तेल है जो यूज़ कर लेता है, 22 लीटर तेल 1 एकड़ के अंदर ले लेता है। तो कटर लगवाना है सिर्फ आपको, और डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको संपर्क करना है, ये अपने आप आकर आपके खेत से गांठ बना लेंगे और 24 घंटे बाद ये गांठे उठा लेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, धन्यवाद दोस्तों।